हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम जब भी कोई अटैचमेंट या कोई फोटोज वगैरह किसी अननोन नंबर पे व्हाट्सएप में अगर सेंड करना चाहते हैं तो हमको दिक्कत आता है, क्योंकि व्हाट्सएप में जब तक आप किसी अननोन नंबर को कॉन्टेक्स्ट में ऐड नहीं करोगे तब तक उसमें कोई भी आप मैसेज नहीं सेंड कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे किसी भी अननोन नंबर पे आप उसको बिना कॉन्टेक्ट में ऐड किए मैसेज भेज सकते हैं या फिर कोई भी अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल ब्राउजर को ऑन कर लें एंड उसके बाद उसका जो सर्च बार है उसमें आप टाइप करें https://, उसके बाद wa.me/, उसके बाद कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 होगा। अगर किसी दूसरे देश में आप चाहते हैं मैसेज करना तो उस देश का कंट्री कोड आपको यूज़ करना होगा। एंड उसके बाद फ़ोन नंबर, इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप होना मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद ये देखिए व्हाट्सएप ओपन करने के लिए पॉपअप आएगा, थोड़ा सा स्लो है, देखिए ओपन। उसके बाद डायरेक्टली व्हाट्सएप में चला जाएगा और वहाँ से देखिए इस तरह से आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं और किसी भी अननोन नंबर पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मैसेज हो वो ऑलरेडी टाइप किया हुआ आए तो आपको इस तरह से करना होगा। सबसे पहले जो अभी लिंक टाइप किया उसको टाइप करना होगा इस तरह से https://wa.me/country-code-india-91 एंड उसके बाद फ़ोन नंबर। ओके, देखिए फ़ोन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद टाइप करना होगा टेक्स्ट, उसके बाद इक्वल एंड अब आप अपना जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ दिस इज ए टेस्ट। ओके, तो आप जैसे ही एंटर दबाओगे देखिए व्हाट्सएप में ओपन हो जाएगा उस मैसेज के साथ। देखिए, सॉरी फॉर द डिले, ये देखिए आप ओपन में क्लिक किए और ये देखिए व्हाट्सएप में आ गया। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि वो मैसेज ऑलरेडी टाइप होके आ रहा है। देखिए ये मैसेज दिस इज ए टेस्ट ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आप सिंपली सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।